बुलंदशहर पहुंचकर कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज जेल परिसर में सिलाई और कंप्यूटर कक्षाओं का उद्घाटन किया। यूपी के कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया है कि प्रदेश की सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला कारागारों में सिलाई कंप्यूटर कढ़ाई समेत तमाम दस्तकारियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि जेलों को कौशल विकास से जोड़ने का मकसद बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना है। कारागार मंत्री ने बताया है कि यूपी की जेलों में इस बार 80,970 से ज्यादा बहनों ने राखी भाइयों को बांधी है। आज कौशल विकास मिशन के तहत जेल में सिलाई व कंप्यूटर सेंटरों का शुभारम्भ किया गया। सर, आज आप जनपद के दौरे पर आए हैं, जिला जेल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है निरीक्षण? देखिए, महिला बैरक में कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन था। कौशल विकास के माध्यम से एक सिलाई केंद्र और कंप्यूटर कक्ष का पुरुषों की बैरक में था, उसका उद्घाटन किया है। हमने उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ा है, और जोड़ा इसलिए है कि 80-85% 40 साल से नीचे का युवा जेल में है, तो उनको सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ने के बाद उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं कि वो जब न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाएं तो वो कहीं ना कहीं कुछ सीख करके जाएं, बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ें, बेरोजगार न रहें, और बेरोजगार नहीं रहेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे और दोबारा कोई उन्हें जेल जाने की आवश्यकता न पड़े, कोई गलती वो दोबारा बाहर जाने के बाद ना करें, ये प्रयास हमारा है। इसी प्रयास के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को हमने कौशल विकास और एमएसएमई से जोड़ा है। यहाँ भी हमारी महिलाएं कंप्यूटर का काम सीख रही हैं, उनको भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी कई संस्थाओं के माध्यम से बंदियों को पढ़ाया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोशिश हमारी है कि देखिए, जितने कैदी हैं, हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है। तमाम कैदी ऐसे हैं जो अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं, उनको हमें सुधारना है, उनको हमें प्रयास करना है कि वो दोबारा कोई जीवन में कोई उनसे गलती ना हो और वो जेल में ना आए, स्वरोजगार से जुड़ें, ये प्रयास हमारा है। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं जाता हूँ, और दूसरा, जब किसी जेल में जाते हैं तो कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं हम, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं अपने संवाद में, उनको बताते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, और जब उनको परिवार से कनेक्ट करते हैं तो तमाम कैदी रोते हैं। आज भी सैकड़ों कैदी रो रहे थे उस समय। फिर हम उनसे संकल्प कराते हैं कि जब आप न्यायालय के माध्यम से बाहर जाएं तो कोई गलती दोबारा ऐसी न हो कि जिसमें आप जेल में आएं और परिवार बाहर आपका परेशानी रहे, परेशानी में झेले, ये प्रयास हमारा है। एक जानकारी मैं और आपके माध्यम से दूं, पिछले साल हमारे कैदी ज़्यादा संख्या में थे, और पिछले साल हमने छूट दी थी रक्षाबंधन के पर्व पर कि सभी बहनें जितनी भी आएँ सब राखी बांधें, कोई भी बंदी बिना राखी के न रहे। तो 70,448 बहनों ने राखी बांधी थी पिछले साल, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है पिछला। इस बार 80,973 बहनों ने, हमारे पास आज रिकॉर्ड आया है, राखी बांधी हैं, और ये एक अच्छा पहल है। और मैं भी स्वयं आगरा की सेंट्रल जेल और जिला जेल में कल गया था, मैं रक्षाबंधन वाले दिन। भाई बहन का जिस तरह से मिलना और जिस तरह से भावुक होना, रोना, बड़ा खुशी भी थी और भावुक पल भी थे। हमारा प्रयास है कि अनायास घटित घटना में जो कैदी जेल में आ जाते हैं उनको उनके साथ मानवीय दृष्टि से उन्हें सिखा करके अच्छा नागरिक बनाया जाए, ये भी प्रयास हमारा है। मंत्री जी, जेल में रहने के बाद जो बंदी हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं भी बनाई गई हैं, उनके उनको आपका निरीक्षण किया, किस तरह की सुविधाएँ हैं, जैसे जिम वगैरह, ताकि वो स्वास्थ्य दूर हैं? हाँ, जिम भी है यहाँ, और बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल की अगर बात करें और इस बार भी, हमारे तमाम बंदियों ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा भी पास की थी जेलों में रह करके भी, तो एक मानवीय दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं, सुधारने का काम कर रहे हैं कि कैदी सुधर के भी जाएं, एक अच्छे इंसान बनकर के जाएं, ये प्रयास हमारा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।